हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप व्हाट्सएप पे पूरी तरीके से ऑफलाइन होना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई भी आपको मैसेज भेजे तो उनको सिर्फ सिंगल टिक ही कैसे दिखाई दे? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है विशाल। वीडियो देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। तो यहाँ पर अब हम अपने फ़ोन पर हैं और सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में WhatsApp को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कुछ भी मैसेज कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल टिक ही जा रहा है, यहाँ पर सिंगल टिक ही जा रहा है, डबल टिक शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे कोई भी हमें मैसेज करेगा उधर से भी तो उसे भी सिंगल टिक ही दिखाई देगा, डबल टिक उसे नहीं दिखाई देगा। तो इसे आपको कैसे करना है, इसे करने के लिए आपको WhatsApp से बाहर आना है। बाहर आने के बाद अब आपको WhatsApp पे लॉन्ग प्रेस करना है, 2 सेकंड के लिए इस पर दबा करके रखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एक ऑप्शन रेस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से इस दोनों को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये जो दोनों टिक दिख रहा है इसको अनटिक कर दीजिए और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे अब जो ये आपका WhatsApp पर कोई भी मैसेज नहीं आ पाएगा और भेजेगा, जो आपको मैसेज भेजेगा उसे सिंगल टिक ही दिखाई देगा। देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन है, देख सकते हैं कि वाईफाई से मैं यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ हूँ। तो वो सेटिंग करने के बाद अब आपको WhatsApp को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आएगा, WhatsApp कैन नॉट यूज नेटवर्क, मतलब कि अब WhatsApp को जो है वो इंटरनेट नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ भी भेजेंगे तो यहाँ से वो मैसेज भी नहीं जा पाएगा और कोई भी मुझे मैसेज भी नहीं भेज सकता है। और इसके अलावा हम किसी और भी एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे जिसमें इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा और सभी एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे, बस आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो WhatsApp का कट जाएगा। तो इस वजह से सिंगल टिक दिखेगा जो आपको मैसेज भेजेगा उसे। तो यही वो तरीका है जिससे कि हम इंटरनेट कनेक्शन को WhatsApp में सिंगल टिक दिखा सकते हैं।